दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये फिक्स्ड असेस्ट जो रजिस्टर है एज पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार तैयार किया जाता है और ये जो चार्ट है डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऑटोमेटिक किस प्रकार कैलकुलेट करता है और इस चार्ट को बनाने के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर को इनेबल करना पड़ता है और कौन सी TTL फाइल की जरूरत हमें पड़ती है। तो दोस्तों ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग RSNR के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर इस चार्ट को देख रहे हो, तो सबसे पहले हम इस चार्ट को समझेंगे भी इस चार्ट को देखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और बाद में जो इस असेस्ट की एंट्री हमने कर रखी है इन सभी एंट्री को हम दोबारा इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे और बाद में इस चार्ट को भी दोबारा बना के देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेली के होम पेज पे यानी कि गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे और उस चार्ट तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे, उसके बाद हमें अकाउंट्स बुक पर जाना पड़ेगा और अकाउंट्स बुक पर जाने के बाद आप देख रहे हो बिल्कुल लास्ट में जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है एक फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर का, इस ऑप्शन पर इंटरप्रेस हम करेंगे। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो इस चार्ट को देखने के लिए हमारे पास तीन तरीके के ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। एज पर इनकम, एज पर कंपनी एक्ट के तहत आप फिक्स्ड असेट का रजिस्टर देखना चाहते हो, या फिर एज पर कंपनी डिमिशिंग एक्ट के तहत देखना चाहते हो, या फिर एज पर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। तो दोस्तों हमें जो हमारी बुक्स में जो चाहिए वो इनकम टैक्स एक्ट के चाहिए, तो हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर एंटरप्रेस करेंगे और उसके बाद में जो सारे ब्लॉक हमने तैयार करके रखे हुए हैं यानी कि फिक्स्ड असेट के जो हमने लेजर बनाए वो सारे लेजर आपको यहाँ पर शो होंगे। तो दोस्तों जैसे हम फिक्स्ड असेट पर इंटरप्रेस करेंगे, जितने भी ब्लॉक की एंट्री हमने यहाँ पर कर रखी है यानी कि जितने ब्लॉक हमने परचेज किए हुए हैं फिक्स्ड असेट के, वो सभी की एंट्री हमें यहाँ पर इस चार्ट में शो करेगा। तो इसमें आपको डेट ऑफ परचेज की, सप्लायर का नेम, किससे परचेज किया हुआ है, उसके बाद में पर्टिकुलर्स में उस असेट का नाम क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, और उसके बाद में उसकी परचेज की वैल्यू क्या है, उसके बाद उसका ग्रोस ब्लॉक कितना है, इस साल में कोई एडिशन या कोई सेल आउट हुआ है या नहीं हुआ, और उसके बाद में 31 मार्च 2021 को इसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आया है। तो अब हम बात करते हैं भी इस चार्ट को बनाने के लिए हमें कौन से फीचर को इनेबल करना पड़ेगा और कौन सी फाइल की TTL फाइल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले हम TTL फाइल को देखते हैं, उस TTL फाइल का नाम क्या है जो मैंने इस टेली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, अपलोड कैसे होती है वो भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों TTL को देखने के लिए हम टेली के F1 यानी कि हेल्प फीचर पर आएंगे और उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे TTL एंड एड ऑन्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एक TTL ऑलरेडी लोडेड है और उस TTL की जो फाइल है उसका नाम है फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर कंपनी एंड इनकम टैक्स एक्ट P1.3, यानी कि ये उस TTL फाइल का नाम है। तो दोस्तों ये सब कुछ तो था जो हमने ऑलरेडी एंट्री करके रखी हुई थी उसकी, और अब हम इन सभी की एंट्री और सभी फीचर को इनेबल करेंगे। हमने एक अलग से कंपनी क्रिएट करके यहाँ पर रखी हुई है इस कंपनी में। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंट्रेड, यानी कि इस ये अभी तक हमने केवल कंपनी क्रिएट की भी है, कोई फीचर हमने इनेबल नहीं किया हुआ, कोई एंट्री नहीं करी है। ये सब कुछ आज आपके सामने मैं लाइव प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उस TTL फाइल को लोड करना पड़ेगा हमारी टेली कंपनी में, हालांकि मैंने ऑलरेडी कंपनी में अपलोड करी हुई है तो मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने के लिए वापस मैं F1 यानी कि हेल्प पे जाऊंगा, TTL पर जाऊंगा और उसके बाद में ये जो फाइल लोड हुई है इसके लिए मैं वापस F4 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, मैनेज लोकल TTL,
और उसके बाद में इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एंड ऑफ लिस्ट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से कोई भी जो चार्ट थी TTL फाइल वो यहाँ से हट चुकी है। अगर अब हम यहाँ पर डिस्प्ले पर जाके और अकाउंट्स बुक पर जाएंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हो जो फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर का जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से अब हट चुका है, क्योंकि वो जब तक TTL हमारी रहेगी तब तक ही वो ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होता रहेगा। तो सबसे पहले हम उस TTL को फाइल को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जो TTL की जो फाइल है वो TCP के नाम से होती है, .TCP उसका एक्सटेंस नेम होता है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा और उसके बाद मैं सिक्योरिटी पे जाऊँगा, और सिक्योरिटी पे जाने के बाद में आप इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है यानी कि इसकी जो लोकेशन है इसको मैं कॉपी करूँगा। तो इसको कॉपी करने के लिए मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ से इसको करूँगा कॉपी। और अब मैं टेली सॉफ्टवेयर को ऑन करूँगा और अब वापस मेरे को F1 यानी कि हेल्प फीचर पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद में वापस TTL एंड एडवांस पर क्लिक करूँगा और F4 यानी कि मैनेज एंड TTL इस पर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। F4 में शॉर्टकट यूज़ करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा लोड सेलेक्टेड TTL फाइल ऑन स्टार्टअप, तो इसको यस रखना पड़ेगा। और जैसे हम यस रखेंगे तो अब हमें यहाँ पर, अगर आपके पास ये इस तरीके का नो आ रहा है तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर यस ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है भी आप ड्राइव के थ्रू जाना चाहते हो या उसके पाथ की जो कॉपी करोगे। तो मैं यहाँ पे इस पाथ पे एंटर पे करूँगा और यहाँ पर Ctrl V के साथ जो मैंने अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा और उसके बाद में लोड TTL इसको यस करना पड़ेगा और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पर वापस मेरे पास वो फिक्स्ड असेस्ट का जो रजिस्टर कंपनी की जो फाइल थी TTL वो अपलोड हो चुकी है। अब इसको मेरे को फीचर को इनेबल भी करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए यहाँ से मैं कीबोर्ड से F6 भी प्रेस करता हूँ मैं, या फिर मैं यहाँ पे एड ऑन फीचर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इनेबल फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर, तो ये जो एड ऑन मैंने अभी जो एड किया है इसको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, यस करूँगा। तो अब यानी कि जो TTL फाइल का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वापस हम एक बार देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, अकाउंट्स बुक पर, तो अब यहाँ पर देख रहे हो वो फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए हम आएंगे एल्टर पर, और एल्टर पर आने के बाद वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर आने के बाद हम जर्नल वाउचर पर आएंगे। जनरल वाउचर पर आएंगे तो जैसे जनरल वाउचर पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एंड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज एसेट सेल्स, इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। इस जनरल पे आने के बाद इस ऑप्शन पर आएंगे और इसको करेंगे यस, और इस विंडो को करेंगे सेव। और उसके बाद में जो हमने ब्लॉक परचेज करनी है, इनकी जो एसेट हमने परचेज करनी है उनके ग्रुप हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सेल में ये तीन ब्लॉक मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए, इन तीन ब्लॉक की एंट्री हमको करके देखनी है, यानी कि हमें एक HP का लैपटॉप परचेज किया है, फर्नीचर और मोटरसाइकिल, तो इनका ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ेगा इस टेली सॉफ्टवेयर में। तो क्रिएट करने के लिए वापस हम क्रिएट पर जाएंगे और अब हम अकाउंटिंग मास्टर में रहते हुए इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें कंप्यूटर के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और इसको अंडर में रखेंगे फिक्स्ड असेस्ट, और जैसे फिक्स्ड असेस्ट रखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, रेट एज पर कंपनी एक्ट, रेट एज पर डिमिशिंग कंपनी एक्ट, और रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इन तीनों ऑप्शन को यस करना पड़ेगा अगर आप तीनों कंपनी में आते हो। तो मैं एक बार तीनों को यस करता हूँ और उसके बाद में डेट पूछेगा, तो डेट जैसे मैं 1/4/2020 देता हूँ, और उस जो कंप्यूटर का जो हमने अभी फिक्स्ड असेट का जो ग्रुप तैयार किया है यानी कि कंप्यूटर पर कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगता है, तो कंप्यूटर पर 40% यानी कि 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। तो हम सभी में ये जो रेट है एज पर रूल के अकॉर्डिंग वो हम डालेंगे सारा, और उसके बाद में इनकम टैक्स इसको यस करेंगे। तो 1/4/2019, तो इसमें दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, यानी कि मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज।
पहले के 6 महीने और बाद के 6 महीने। अगर पहले के 6 महीने में हम कोई गुड्स परचेज करेंगे कंप्यूटर से संबंधित तो 40% लगेगा और सेकेंड हाफ में 20%। और इस वाउचर को हम करेंगे सेव ग्रुप को। तो इसी तरीके से हमें जो सेकेंड फर्नीचर है इसका भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं फर्नीचर फिक्स्ड असेट और उसके बाद में सेम कोई ऑप्शन डेट हम 1/4। अब जो फर्नीचर पे लगना है वो 10% का लगना है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे 10% हम देंगे 1/4 में। फर्स्ट हाफ में 10%, सेकेंड हाफ में 5%। और इसी तरीके से मोटरसाइकिल का अंडर में फिक्स्ड असेट और कंपनी एक्ट में 1/4 से जो मोटरसाइकिल पे जो डेप्रिसिएशन है वो 15% है, हम इसमें 15% रखने वाले हैं। और इनकम टैक्स में फर्स्ट हाफ के अंदर 15% और सेकंड हाफ में इसका जस्ट हाफ यानी कि 7.5%। तो इस तरीके से ये वाउचर हमने जो सॉरी ग्रुप है जो क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर आएंगे और लेज़र, तो अब हमें उन सभी का लेज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा इन असेस्ट का। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने HP लैपटॉप परचेज किया है और अब इसका जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम फिक्स्ड असेस्ट का अगर कोई लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को इनेबल करना जरूरी है। तो इसे हम करेंगे यस और उसके बाद में GST एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इस पर GST लगेगी और इसको करेंगे यस। तो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे यहाँ पर कंप्यूटर का और यहाँ पे HSN कोड इसका डाल देंगे और उसके बाद में परचेज टैक्सेबल रखेंगे, कैपिटल गुड्स रखेंगे और उसके बाद में इसकी जो GST रेट है वो 18% वो रख देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे। तो इस तरीके से जो सेकंड ब्लॉक है हमारा फर्नीचर का और इसको भी जो ग्रुप रखेंगे फर्नीचर का मेंटेन बिल बाय बिल यस करना पड़ेगा यस, इसको यस करेंगे। और यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे फर्नीचर, इसका जो हम डाल देंगे HSN कोड, उसके बाद में परचेज टैक्सेबल, नेचर ऑफ गुड्स के अंदर इसको कैपिटल गुड्स रखेंगे और इस पर भी एक बार मैं 18% ही ले रहा हूँ। और इस तरीके से जो थर्ड है मोटरसाइकिल और इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे मोटरसाइकिल असेस्ट यस और यहाँ पर हम मोटरसाइकिल टाइप करेंगे, इसका HSN कोड हम लिख देंगे, इसको भी हम परचेज टैक्सेबल करेंगे, कैपिटल गुड्स में रखेंगे और 18% पे। तो इस तरीके से ये हमने जो फिक्स्ड असेस्ट के लेज़र हमारे क्रिएट होते हैं वो हमने लेज़र क्रिएट कर लिए हैं। और अब उसके बाद हमें इनकी वाउचर की एंट्री करके देखेंगे। दोस्तों अभी तक आप देख रहे हो इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे और अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर पर जाएंगे और इनकम टैक्स देखेंगे। तो अभी तक आपको इन ब्लॉक का नाम आपको इस चार्ट में शो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ट्रांजेक्शन हमने नहीं करी है तो इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अब इनके में परचेज एंट्री करनी पड़ेगी। तो परचेज एंट्री करने के लिए हम वाउचर में आएंगे और वाउचर पे आने के बाद हम जर्नल वाउचर को यूज़ करेंगे और उसके बाद में जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सेल में बना के रखा हुआ है, ये स्मार्ट कंप्यूटर से हमने HP लैपटॉप परचेज किया है तो हम HP लैपटॉप परचेज टैक्सेबल और उसके बाद में इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 30,000 रुपये की है और इसको हम रखेंगे न्यू रेफरेंस में रखना है और इसका 1 दे देंगे और उसके बाद में CGST टैक्स हमें लगाना पड़ेगा। तो CGST टैक्स का लेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं, अंडर में रहेगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और सेंटर टैक्स और इसका जो CGST टैक्स बन जाएगा 2,700 रुपये। और इस तरीके से SGST टैक्स का लेज़र भी हम क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और स्टेट टैक्स 2,700 रुपये। और उसके बाद में स्मार्ट कंप्यूटर्स जिससे हमने परचेज किया है, अंडर में रखेंगे सैलरी क्रेडिटर और उसके बाद में न्यू रेफरेंस 1 रेफरेंस रखते हुए इस वाउचर को करेंगे सेव। सॉरी, हमने इसकी जो डेट है वो रखी है यहाँ पे 31/8, तो हम इसकी डेट चेंज कर देंगे और इस वाउचर को वापस कर देंगे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। उसके बाद में सेकंड हमने परचेज किया फर्नीचर 31/12 को, तो 31/12 डेट हम चेंज करेंगे
और उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर परचेज टैक्सेबल, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू रखनी है हमने वो 10,000 रुपये है। और उसके बाद में न्यू रेफरेंस 2 रहेगा, और उसके बाद में 2/CGST टैक्स 900 रुपये, और फिर SGST टैक्स 900 रुपये, और उसके बाद में स्मार्ट फर्नीचर सेंट्री क्रेडिट्स में रखेंगे, और इस वाउचर को भी हम कंटिन्यू करेंगे सेव। और इस तरीके जो लास्ट ब्लॉक हमारा बच गया मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल परचेज टैक्सेबल, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 50,000 रुपये है, और इसका जो डेट है परचेज का 31/1 है 50,000। उसके बाद में CGST टैक्स 4,500 रुपये बाई SGST टैक्स 4,500 रुपये, और 2 स्मार्ट मोटर्स, यानी कि हमने तीनों जो ब्लॉक अलग अलग पार्टी से परचेज किए हैं, और इन सभी को वाउचर को हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो एक बार हम डे बुक देख लेते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे, तो ये तीन ट्रांजैक्शन हमने ब्लॉक की परचेज कर लिए है। अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको ये 90,000 रुपये का ब्लॉक परचेज किया हुआ शो हो रहा है फिक्स्ड असेट के रूप में, और हमारे पास भी ये टोटल है जो 90,000 रुपये ही इसकी वैल्यू आएगी। तो अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ट देखना है, डेप्रिसिएशन चार्ट है वो हमारा सही बना है या नहीं बना। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, उसके बाद में अकाउंट्स बुक पर, और फिक्स्ड असेट्स रजिस्टर पर। एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है, और फिक्स्ड असेट्स को हम करेंगे एक्सेप्ट, और उसके बाद में F2 से पूरा डाटा ईयरली हम ले लेंगे। तो अब इसमें देख रहे हो जो हमने परचेज जो किया था 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का, तो अब देख रहे हो इसके अंदर ये मोटरसाइकिल की वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है, और इसका जो डेप्रिसिएशन है ईयर एंड पे वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होके आ गया है एज ऑन 31/3/2021 तक का जो डेप्रिसिएशन है 40% आ गया इसका, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ के अंदर ही परचेज है तो डेप्रिसिएशन इसका पूरा लगेगा। और इस तरीके से जो फर्नीचर है वो 10% में है, और इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो आफ्टर 180 डेज है, 31/12/2020 की परचेज है, तो इसका 5% यानी कि हाफ लगेगा 10% का। और इस तरीके से मोटरसाइकिल का भी ये जो 15% है इसका भी हाफ लगेगा 3,750 रुपये का, यानी अगर 15% करें इस पर इसका चार्ट हम देखें एक्सेल में हमने रेडी किया हुआ है, तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन जो चार्ट है हमारा तैयार हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हो जो कंप्यूटर है इसकी वैल्यू है जो 12,000 रुपये आई है, फर्नीचर की जो वैल्यू है 500 रुपये आई है, और जो मोटरसाइकिल की वैल्यू वो 3,750 रुपये की आई है। और वही आप इसमें यहाँ पर देख रहे हो, आपको मैं दिखा देता हूँ, लैपटॉप है, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, और इसी के अकॉर्डिंग ये एक्सेल में भी ये डेप्रिसिएशन इसी तरीके से रेडी हमारा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये डेप्रिसिएशन चार्ट बना सकते हैं, और इसे हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे, और उसके बाद में करंट पर क्लिक करेंगे, और आप एक्सेल में फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करवाना चाहते हो तो एक्सेल सेलेक्ट करके और डायरेक्टली से करेंगे सेंड। तो जैसे ही हम सेंड करेंगे तो ये टेली के लिए पूछेगा ओवर राइट करना है या नहीं करना, तो हम इसका नाम जो चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, फाइल का नेम हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हम दे सकते हैं, एक बार 2.xls। तो उसके बाद हम इसके करेंगे सेंड, तो जैसे ही सेंड करेंगे तो ये जो चार्ट है एक्सपोर्ट होके हमारे सामने इस तरीके से एक्सेल में ओपन हो जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।